सीएम योगी के वेस्ट यूपी के दौरे का दूसरा दिन गाजियाबाद में सीएम योगी ने विकास कार्यों को लेकर जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ की बैठक, विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। बुलंदशहर में भी जाना जमीनी हकीकत। बुलंदशहर से सीएम योगी ने एक बार फिर दी नशे के सौदागरों को चेतावनी। कहा, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे नशा माफिया हो जाएं खबरदार, नजीर पेश करने वाली होगी कार्रवाई। नोएडा में अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी पर 5 साल में कोई काम नहीं करने का लगाया आरोप। कहा, बीजेपी सांसद को आती है अपनी ही सरकार पर शर्म। अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, शहीद स्मारक पर किया माल्यार्पण, कई योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। यूपी में संगठन करेगा मंत्रियों के कामकाज की निगरानी, कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं करने वालों की तैयार होगी रिपोर्ट, शीर्ष नेतृत्व तक जाएगी सूचना। कल गिराया जाएगा नोएडा का ट्विन टावर, भ्रष्टाचार की इमारत में लगाया गया 3700 किलो बारूद, बटन दबते ही 9 सेकंड में बन जाएगा मलबे का ढेर। भगोड़े अब्बास अंसारी पर एसटीएफ कसेगी नकेल, इनाम घोषित करने की तैयारी। गाजीपुर में भी संपत्ति कुर्क करने की होगी मुनादी, कोर्ट ने जारी किया है एनबीडब्ल्यू। मुख्तार के बेटे के बाद पत्नी पर भी कसा ईडी का शिकंजा, फरार अफशा अंसारी के लिए लुकआउट नोटिस जारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बयान दर्ज कराने के लिए ईडी ने किया था तलब। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने यूयू ललित, राष्ट्रपति ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ, देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने। नदियों के बढ़े जल स्तर से यूपी के कई शहरों पर बाढ़ का खतरा, गंगा और यमुना दिखा रही रौद्र रूप, काशी प्रयागराज के साथ ही कई और जिलों में पानी से परेशानी।